नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका ममल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको जो फ्लावर्स होते हैं वो बल्ब से कैसे ग्रो करें वो बताऊंगा, और बल्ब क्या है वो बताऊंगा। दोस्तों, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये दिखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ओनियन हो, प्याज हो, लेकिन दोस्तों ये प्याज नहीं है, ये बल्ब है। ये ग्लाइडर्स का बल्ब है जिसपे एक अच्छा फ्लावर्स आता है और ये काफी कलर के होते हैं। तो देखिए, ये जो बल्ब है ये ग्रो कर रहे हैं यहाँ से। तो जब हमारे पास इसका प्लांट होता है तो उसके नीचे क्या होता है, जैसे प्याज होती है नीचे, सेम वैसे ही उसके नीचे ये होता है। तो जब हमारा कोई प्लांट अगर खराब हो जाता है, मीन्स उसकी एज हो जाती है, सीजन ऑफ हो जाता है, तो उसके नीचे अगर हम उसको खोद के देखेंगे तो ऐसे बल्ब मिलेंगे आपको। आप उनको निकाल कर संभाल के रख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आप इसको पोट कर सकते हैं जैसे कि मैं आप करूँगा। तो मैं वैसे ये बाकी के जो हैं वो मैं ग्राउंड में करूँगा, ये एक आपको लगा के इसमें बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये पोट लूँगा और उसके अंदर जो नीचे बॉटम में मैं ये कोको कोयर का जो जाल से है ये डाल दूँगा, ये देखिए। और इसके बाद जो नॉर्मल मिट्टी होती है मेरे फार्म में, जो नॉर्मल मिट्टी है मैं वो यूज़ करूँगा, क्योंकि ये जो बल्ब है ये जो बालू रेत होती है उसमें अच्छे से ग्रो करते हैं। तो उसके लिए मैं ये नॉर्मल गार्डन सॉइल जो है वो यूज़ करूँगा। बल्ब हर फ्लावर्स के नहीं होते, कुछ फ्लावर्स के होते हैं, तो आप वो बाय कर सकते हैं और उनको ग्रो कर सकते हैं, ये आपको सीड्स की शॉप पे इजीली मिल जाएंगे और ये काफ़ी सस्ते भी होते हैं। ये जो मैं लेके आया हूँ ये शायद 3 या 4 रुपए का है, और अगर आप इसका प्लांट लेंगे तो महंगा आएगा, तो इसलिए आप इन बल्ब को ले आएँ और ये ग्रो करके देखें। तो दोस्तों, मैं इसमें ये फिल कर लेता हूँ, थोड़ा सॉइल और डालेंगे, बिकॉज हमें बल्ब को इतना लगाना है कि जो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे बर्ड्स ग्रो होता दिख रहा है इसका, वो हम बाहर रखेंगे जैसे कि प्याज का होता है। देखिए, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, सिर्फ हमें इसको ऐसे रखना है और इस बल्ब के चारों तरफ सॉइल डाल देना है इस तरह से, साइडों की मिट्टी को उंगली से आप प्रेस कर दें ताकि बल्ब जो है वो हिले ना। तो आप इस तरह से प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको हमने यहाँ पे प्लांट कर दिया है, अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे। ये देखिए, ये एक छोटा टब है, इसको हमने पानी से भर दिया है और इस पॉट को हमने इसमें रख दिया है, ये वाटर को सोख लेगा सॉइल। पॉट की बजाय अगर हम इनको गार्डन में ग्रो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, उससे क्या होगा जो ग्राउंड में क्या है इसके जो बल्ब हैं वो काफ़ी तैयार हो जाएंगे, पॉट के अंदर इतना नहीं बनता। तो मैं जो ये बाकी के 3 बच गए हैं इनको मैं मेरे गार्डन में ग्रो करूँगा। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि जो सॉइल है उसने वाटर को सोख कर लिया है, देखिए गीला हो गया है, सिर्फ इसके जो नज़दीक का सॉइल है वो थोड़ा रह रहा है, बाकी पूरा ये हो गया, वाटरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको धूप में रखूँगा, धूप में ये जल्दी ग्रो होगा, और एक्स्ट्रा वाटर है जो नीचे से निकल जाएगा, देखिए, बिकॉज हमने जो कोकोपीट की जो कोयर है वो यूज़ की थी। ओके दोस्तों, तो ये हमारा बल्ब है, अब ग्रो होगा और जब ग्रो होगा तो मैं आपको अपडेट दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।